हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने दावा किया है कि वो चुनाव जीत रही हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि हम इस बार निश्चित रूप से हैदराबाद में चुनाव जीतेंगे। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में माधवी लता ने कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और भागीदारी से उत्साहित हूं। माधवी ने कहा कि आज इस सम्मेलन में 3 से 4 हजार पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। उनकी ऊर्जा और उत्साह मुझे विश्वास दिलाते हैं कि हम इस बार निश्चित रूप से हैदराबाद जीतेंगे। AIMIM प्रमुख और 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। माधवी को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने AIMIM प्रमुख के खिलाफ भगवंत राव को मैदान में उतारा था, लेकिन वो 282,186 वोट से हार गए थे। उन्हें कुल वोटों में से सिर्फ 26% वोट मिले थे और भाजपा उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को कथित तौर पर मिली धमकी पर माधवी ने कहा, हो सकता है कि ओवैसी को अपने ही लोगों से ऐसी धमकियां मिली हों। कोई असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी कैसे दे सकता है? क्या किसी ने उन पर पथराव किया या उन पर हमला किया? ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर है। ये लोग ऐसी कारों में बैठते हैं और कुछ भी कहते हैं। मैं कैसे मानूं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं? मुझे भी सोशल मीडिया पर हजारों धमकियां मिलती रहती हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।